एट लास्ट जी मैं पहुंच चुका हूं घर। इस टाइम का ना मैं काफी ज्यादा तेज बारिश स्टार्ट हो चुकी है। चले तो क्यों ना इसका हलवा बना लिया जाए। तो जनाब मैंने इसे कट छट करके उबले हुए पेठे के मुंह वाला आ चुका है। अब चेक करा इतना प्यारा भूत पहली दफा देख। बॉस को कॉल मिलाओ। हाँ नहीं बताना। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब हरियत से होंगे। मेरा नाम है फाहिद निसार और आप देख रहे हैं मिस्ट्री टाउन नेट के ऊपर डेली व्लॉग। तो जनाब अभी सुबह सुबह का टाइम है और जनाब देख सकते हैं मौसम कितना आउट क्लास बन चुका है। जनाब हर जगह काले बादल आ चुके हैं और तेज हवा चल रही है। अभी जनाब मैं आया हूँ क्रिकेट खेल के, मैच खेल के दूसरे गाँव हम गए थे मैच खेलने। वो भी जनाब घर में चाय बनी है तो उसके लिए मैं लेने जा रहा हूँ बिस्किट, क्योंकि अभी क्या नाम सुबह सुबह का टाइम है। पराठे वगैरह बाद में खाएंगे हम तकरीबन 9-10 बजे, अभी 7 बजे हैं तो अभी चलते हैं क्या नाम बिस्किट लेने चाय के साथ, फिर वो आके खाते हैं। तो मैं यार क्या नाम बिस्किट लेने आया हूँ, तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है। अभी इससे पहले मेरा फ़ोन ही लाओ, मैं कर दिया के बात करता हूँ। ये चेक करो बारिश स्टार्ट हो गया। एट लास्ट जी मैं पहुँच चुका हूँ घर। इस टाइम का नाम काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश स्टार्ट हो चुकी है। आज जनाब का नाम काफ़ी ज़्यादा बारिश तेज़ हो रही है काफ़ी अर्से बाद। आज तो पकौड़े समोसे बनेंगे, मैं तो आधा किलो हो चुका हूँ। अभी करते हैं कपड़े चेंज तो फिर मिलते हैं आपसे। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गरम गरम चाय और साथ जनाब इसके बिस्किटों और साथ के नाम तेज़ बारिश भी हो रही हो तो इसका मज़ा जनाब सिर्फ एक चाय लवर ही जान सकता है। हालांकि मैं खुद चाय लवर नहीं हूं लेकिन मैं उनकी फीलिंग्स को समझ सकता हूं। बाकी बातों बातों में मैं जनाब के नाम सारे बिस्किट और केक रस खाई जा रहा था। मेरा सारा फोकस जनाब वीडियो की तरफ ही था जिसकी वजह से जनाब मुझे ये नुकसान उठाना पड़ा। अभी मैंने वीडियो स्टॉप ही की थी कि मेरे आधे केक रस ने जनाब चाय में डुबकी लगा के खुदकुशी कर ली। मैंने इसे कैंडी बिस्किट के साथ रेस्क्यू करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की लेकिन ये हाफ ही रेस्क्यू हो सका। अभी जनाब के नाम वाइट बादल दोबारा आ चुके हैं तो अभी सूरज देख सकते हैं आपके नाम छुपा हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए कि नाम रोशनी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो आज जुम्मा मुबारक भी है, अभी थोड़ी देर तक जुम्मे की भी तैयारी करते हैं। अभी कपड़े निकाल के ना प्रेस करने देते हैं तो फिर उसके बाद नहा धो के नाम जुम्मे की तैयारी करते हैं। अभी है 2-3 घंटे तो फिर मैं अभी तब तक रेस्ट कर लें थोड़ा। आज से सही इतना सो नहीं सका यार, यहाँ पर ना मेरे पाँव आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें, ये ना मेरे जख्म हुआ है बहुत ज़्यादा सख्त, तो सुबह मैं खेल के आऊँ तो दोबारा ख़राब हो चुका है। 4-5 दिन हो गए इस जख्म को तो मैं अभी ट्यूब वगैरह लगा रहा हूँ तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुका है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2 दिन तक मजीद के नाम बेहतर हो जाएगा और सही हो जाएगा। चलते हैं जाकर सूट निकालते हैं जो सा प्रेस होने के लिए नाम जुम्मे के लिए देना है, तो फिर इंशाल्लाह आपसे जुम्मे के टाइम मिलते हैं। हेलो चुचू, वो तेरी है पीछे रहा है, इधर ठूंगा मारते कि नहीं मारे, मारेगा ही इंसान बन। ये अम्मा देखें कहाँ पहुँची गई। चले नहीं ये कुछ बोला, नहीं कुछ बोला, चुप रहा है। इसे देखो गुस्सा चढ़ गया। जुम्मे के लिए हम हो चुके हैं जी रेडी, तो अभी हम जा रहे हैं मस्जिद जुम्मा अदा करने, तो जुम्मा अदा करके मिलते हैं, फिर आगे नाश्ता भी करना है तो मिलते हैं जुम्मे के बाद। बाबा जी अगर मैं छक पाया मेरी जुत्ती चुकन हो गई मेरी अपनी जगह तो नहीं सी है। असल में ना वो सेकंड पोर्शन का ना लॉक लगा हुआ था तो जो उसकी चाबी थी ना वो हादिम साहब गए हैं जनाब उमरे के ऊपर तो वो साथ ले गए, गलती से यहाँ पता नहीं किधर रख गए और बता के नहीं गए हैं, जिसकी वजह से ना काफी ज्यादा नमाजियों की नमाज रह गई थी। तो उसकी मेरा दोस्त बात कर रहा था कि हमारी जुतियाँ ना उठा के वो ले गए गुस्से से। बाकी यार हर मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो अभी हम चलते हैं और जाके सबसे पहले नाश्ता करते हैं तो फिर मिलते हैं नाश्ते के बाद। नाश्ते के अंदर जनाब आज प्याजों वाले करेले और जनाब साथ चिकन था। नाश्ता यार क्या दोपहर का खाना ही था इसलिए मैंने बतौर सैलड के नमक खीरा भी काट लिया और इसके साथ पराठा था। तो चलो नाश्ता करके आपसे मिलते हैं। नाश्ता करने के बाद मेरी नज़र इस पेठे पर पड़ी, मैंने कहा आज मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो क्यों ना इसका हलवा बना लिया जाए। तो जनाब मैंने इसे कट छट करके तो हलवे के लिए रेडी करने लग गया जी। अभी मैंने हाफ परोसा से किया हलवे का, तो ये जनाब ये उबले हुए पेठे के मुँह वाला आ चुका है। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई आप लोग। हम जा रहे हैं ग्राउंड, तो ग्राउंड जाके मिलते हैं। अरे हम ग्राउंड आ चुके हैं, तो ये जनाब ग्राउंड सुबह जो उनसी बारिश हुई है ना उसे ग्राउंड के हालात देख सकते हैं। पीओवी पाकिस्तान लाले मुसे का अजीम तरीन ग्राउंड है बच्चियों, तकरीबन तकरीबन सब तो बड़ा अली इसके अंदर छलांग मार, मैं तुझे मानू इसके अंदर भाई कुछ ऊपर लगा दो सही ना फिर मार जाएंगे। एक मिनट कैमरा धुंधला हुआ है, तेरी शक्ल बुरी बुरी आ रही है, कैमरा साफ कर लो। अब चेक करा Woo 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 woo
असंभव, ये कैसे हो सकता है? देखते देखते हमने सोचा था कि हम क्रिकेट में आगे जाएंगे, लेकिन उन्होंने इतना आगे भेजने के लिए हमें कुछ अनामत दिए हैं। ये बोलने लगे हैं पागल हो गए यार, श्रीलंका अड्डी दूर हूं तुम कि लिया, बाकी जनाब के मैं खेल के फारिग हो चुके हैं। पैसा लगता है, कौन सा पैसा बाकी हम खेल खेल ये रिश्वत पता क्यों मैंने उसको भी छोड़ना है, इसलिए बना रहा है तो कहता है चलो खैर ये तुम्हारे पैसे हो गए। बाकी हम जनाब घर जाके मिलते हैं, खेल खेल के फ्री हो चुके हैं, यहाँ पे बकवास करने का। ये जनाब हमने पेठा उबाइल कर लिया, तो जनाब मेरी वालदा हेल्प कर रही है मेरी बनाने में, तो अभी वो सूजी भुनेंगी तो फिर उसके साथ ही इसे मिक्स किया जाएगा या जैसे भी बनाया जाएगा। अभी उनको साथ ही हेल्प करते हैं तो देखते हैं ये कैसे बनाती हैं। यार मुइतबा शदीद छोड़ो, अभी देखो मेरी आंखें लाल हो रही हैं, ये वाला तो कोई नहीं है, ये वाली देखो बैंगे कैमरे के अंदर देखो। बाकी यार अभी फुल नींद आ रही है, उस टाइम रात से सही इतना सोया नहीं था, सुबह मैच खेलने चला गया था। सो जो तो बाकी काम किसने करने हैं, एडिटिंग किसने करनी है? एडिटिंग करते हैं सुबह उठ के करते हैं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू, क्या कर रहे हो? भूत आया इतना प्यारा भूत पहली दफा देख ना कर। जनाब हमने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया, अभी इसके अंदर सूजी डालने लगे हैं एक कप पूरा, तो डाल दो। ये जनाब हमारी सूजी जा रही है अंदर, अभी हम इसे भुनेंगे। ये जनाब अब ब्राउन हो चुकी है, तो अब हम इसके अंदर जनाब ये जो सा पेठा उबाइल किया हुआ, ये बॉइल नहीं यार बॉइल कीते जेड़ा बॉइल किया हुआ ना, जो सा बॉइल जो सा किया हुआ ना वो डालेंगे। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। अब पेठा ऐड हो रहा है इसके अंदर, अब इसे की अच्छी तरह बुनाई होगी, अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे तो फिर ये मिक्स होगा और बनेगा। जनाब किशमिश बादाम और जनाब गरी के नाम हमने काट के रख लिया, अब ये तैयार होता है ना तो फिर इसके ऊपर के नाम सजाएंगे हम। जनाब अच्छे से मिक्स हो गया, अब इसके ऊपर जनाब चीनी जा रही है। जब तक जनाब हमारा हलवा रेडी हो रहा है, ये हमारा सीए देखें क्या छेड़ रहा लैपटॉप पे, क्या आज की डिटेल सारी लिख ली है? अच्छा ठीक है, तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ है? लॉस हुआ है। चलो कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करना, छोड़ो काम, आओ कहीं घूमने फिरने चलते। और हेलो बॉस को कॉल मिलाओ, हाँ बोलो लॉस हो गया है, हेलो करो, हेलो बोलो, नुकसान हो गया कंपनी का, नुकसान हो गया, नहीं बताना क्या बोला तूने? नुकसान हो गया, कोई नहीं, होते रहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। अच्छा मैं करूं, हेलो जी, हारिब की वजह से नुकसान हो गया और वो इस टाइम सर पे हाथ रख के बैठा हुआ है, हाँ जी परेशान है काफ़ी, हाँ जी बुलियाँ भी बना रहा है। देखो करो बात से बात, अब आप करो बात, बोलो आगे से बोलो, हाँ हेलो। ये जनाब हमारा हलवा रेडी हो चुका है फुल, तो अभी हम इसके ऊपर डालने लगे हैं ये कोकोनट थोड़ा सा डालेंगे, फिर उसके बाद जो है ये हमारी किशमिश और जनाब बादाम है, ये भी हम ऐड इसमें कर देंगे, बाकी मिक्स कर लेंगे फिर सही हो जाएगा। चलो जी आज है जी खाने के अंदर जनाब ये लोबिया और ये जनाब के नाम है साथ ये हलवा हमारा रेडी जो हो चुका है, तो अभी खाना खाते हैं और बाकी बातें करते हैं खाने के बाद। अच्छा जी तो हम खाना शाना खा के हो चुका है फ्री, जो सा हमने हलवा बनाया जनाब वाकई आउटस्टैंडिंग हलवा बना था, फुली रिकमेंडेड है, आप भी ट्राई करिएगा ज़रूर। तो यार ये ना आंखों की बीमारी जो सी अभी आजकल में फैली हुई है ना, आई फ्लू के नाम से जो सी रेड हो जाती है आंखें, इससे यार जो जितना हो सकता है केयर करो, अगर आपको ना मैं ज़रा सी भी अलामत इसकी फेस करने को मिलती हैं
या आपको महसूस होता कि आपको हो रही है, तो फौरी डॉक्टर से रब्ता करें और इसका हल और ड्रॉप्स लें उसके, दूसरों को होने से आप बचा सकें। और जिनको हुआ है उन्हें बोलें एहतियाती तदाबीर लाजमी अख्तियार करें, इसको आम या मर्ज ना समझें या ईजी ज़्यादा ना लें क्योंकि इसमें आँख का खतरा होता है। बाकी यार के नाम मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आई है क्योंकि कल से मैं सही तरह सो नहीं सका है। तो आज के ब्लॉग को कर रहे हैं हम यहीं पर एंड, दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो आज के ब्लॉग को कर रहे हैं हम यहीं पर एंड, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।